हेलो फ्रेंड्स, कुमार की टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पेटीएम बैंक एजेंट ऐप के माध्यम से कस्टमर का कैसे पैसा उतारा जाता है आधार कार्ड के माध्यम से, यानी AEPS जिसे कहते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से आपको कैसे पैसा उतारना है कस्टमर का और कैसे उसका बैंक का स्टेटमेंट चेक करना है या फिर बैलेंस चेक करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको पेटीएम बैंक एजेंट ऐप होना चाहिए आपके पास। अगर आप इसका ट्रेनिंग करते हैं, आप जैसे अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रेनिंग होगी। इसके बाद इस ऐप का लिंक मिलेगा आपको, ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे पेटीएम बैंक एजेंट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पेटीएम बैंक एजेंट आप सर्च करते हैं तो नहीं मिलेगा। पेटीएम का ऐप मिलेगा, पेटीएम बिजनेस मिलेगा, ये सब और इन स्टोर ऑर्डर ये सब आएगा, लेकिन आपको पेटीएम बैंक एजेंट का ऐप नहीं मिलेगा। तो आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको जो ये पेमेंट करने का परमिशन मिल जाएगा, यानी पेटीएम बैंक एजेंट ऐप इस्तेमाल करने का परमिशन मिल जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फोन नंबर पर SMS के द्वारा या फिर मेल के थ्रू इसका लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, तो आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा। इसको लॉगिन करने के बाद आप यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऐप खोलते हैं, इसमें अपना रजिस्टर्ड पेटीएम नंबर और नीचे इसका पासवर्ड, लॉगिन करने का पासवर्ड OTP के माध्यम से ये रजिस्टर नहीं लॉगिन नहीं होगा। तो इसको चलिए जल्दी से मैं अब इसको डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल लिया नंबर, तो यहाँ पर जो है कि मैंने जो है कि नंबर डाल लिया है अपना। और ख़ास बात इससे कि आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस आपके पास होना ज़रूरी है, तो क्योंकि आप तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे कस्टमर का पैसा उतारने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है कि अब कर लेते हैं यहाँ पर लॉगिन सिक्योरली, हमारा जो है कि यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो ऐप हमारा खुलने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर बात हो रही थी आधार कार्ड से पैसे निकालने की, तो यहाँ पर AEPS सिस्टम है। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा है कैश विड्रॉल, तीसरा मिनी स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर पैसे जो है कि उतारना है। उतारने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ पेटीएम का ऐप मैं जब खोल रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं पेटीएम बैंक अकाउंट में मेरा 9,427 रुपये है और 747 रुपये 50 पैसे मेरे इंडियन बैंक के अकाउंट में है। तो यहाँ पर बात करते हैं SMS की, तो 747 जो है इसमें अभी मेरा था 247 रुपये, और जब इसमें अभी आया है कुछ देर पहले 10:47 को 500 रुपये, अभी 11 बज रहे हैं, 20 मिनट पहले आया था, 11:05 हो रहा है, 500 रुपये यानी 747 हुआ है। तो अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस को लगा देना है और यहाँ पर RD सर्विस को ऑन कर देना है। यहाँ पर जो भी आप डिवाइस यूज करेंगे, जैसे मिंत्रा है तो मिंत्रा के लिए यहाँ पर मिंत्रा RD सर्विस इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर AEPS जो है, AEPS कहते हैं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर तो यहाँ पर हम पहले बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर पर आप इसका वो रिसिप्ट लेना चाहते हैं। जैसे मैं डाल दिया नंबर एक और यहाँ पर मैं ऑप्शन चुन कर लेता हूँ अपना बैंक इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक हुआ करता था उसका, और उसके बाद आधार नंबर डाल लेते हैं। तो सारी डिटेल डालने के बाद तीसरे कॉलम में आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर करेंगे एक्टिवेट सेंसर करेंगे, फिंगरप्रिंट हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर फिंगर लगा देंगे जब हमारा यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी 747 पे बैलेंस हो गया। अब चलिए यहाँ पर अब आती हैं कैश विड्रॉल की। यहाँ पर बैलेंस चेक कर लिया आप उतारने के लिए। जब कैश विड्रॉल खोलेंगे तो कुछ इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेगा। पहला मोबाइल नंबर जिस पर आप इसकी रसीद चाहते हैं और इस पर सेलेक्ट बैंक कर लीजिए और बैंक सेलेक्ट कर लेना है जो सब कौन सा बैंक है आपको इस बैंक का पैसा निकालना है। फिर आधार नंबर डालेंगे कस्टमर का, यहाँ पर पैसे डालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 747 रुपये है
और इसमें से 200 रुपये निकालना चाहता हूँ, 500 रुपये मेरे पास आया था, 200 निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा। इससे अपना मोबाइल नंबर डाला, इसे यहाँ पर बैंक सेलेक्ट किया, आधार नंबर डाल के यहाँ पर अमाउंट डालूँगा 200 रुपये, और रीजन डाल दूँगा कि मुझे किस लिए चाहिए, तो मुझे चाहिए कैश चाहिए, तो इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, करना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कहेगा कि 200 रुपये उतारने के लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट सेंसर यानी फिंगरप्रिंट को ऑन करना है, तो इसको ऑन करेंगे, इसमें लाइट जल जाएगी और कस्टमर का फिंगर इस तरह से रखवा देंगे, तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। देखिए, कैश विड्रॉवल सक्सेसफुल, प्लीज़ हैंड ओवर द कैश, आप कस्टमर को पैसा दे दीजिए। और यहाँ पर मैसेज भी आ गया है कि 200 रुपये निकल गए हैं, देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको 200 रुपये निकाल दिया गया है, कुछ इस तरह से। और मेरा भी 500 रुपये कुछ देर पहले आया था, तो चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे फिर से वापस। इसको प्रिंट रसीद आप देख सकते हैं, अलाउ करके डाउनलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि इसमें बचा कितना है। तो अभी देखिए 547 रुपये बचा है 200 रुपये निकालने के बाद। तो चलिए अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की, APS में मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पर बात आती है मिनी स्टेटमेंट की, तो फ्रेंड्स मिनी स्टेटमेंट आने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे तीन ऑप्शन इसमें मिलेगा, मोबाइल नंबर डालने का जिस पर आपको रसीद चाहिए, कस्टमर का डाल सकते हैं या खुद का किसी का भी नंबर डाल सकते हैं, और बैंक सेलेक्ट करना है, और आधार नंबर सेलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके फिंगरप्रिंट लगा रहा है एक्टिवेट सेंसर करके, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तीनों डिटेल्स डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर डिटेल्स मैंने, यहाँ पर तीनों डिटेल्स मैंने डाल दिया, इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कहेगा एग्रीमेंट साइन कीजिए, एग्रीमेंट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद कर लिया कन्फर्म। यहाँ पर एक्टिवेट सेंसर कर देता हूँ, फिंगरप्रिंट ऑन हो गई। अब यहाँ से मैं फिंगर लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट रसीद मैं अब दिखा सकता हूँ, मैसेज आ गया मेरा, तो यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर मेरा आज ही की डेट में 22 तारीख 8वें महीने में 500 रुपये आया है, फिर उसी डेट में मेरा 200 रुपये निकला है। यहाँ पर जहाँ पर सी लिखा हुआ है क्रेडिट हुआ है, और जहाँ पर डी लिखा है वो डिवाइड हुआ यानी पैसा कटा है। तो कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे रसीद। तो फ्रेंड्स अब इस एजेंट ऐप का काम ख़त्म हो गया, आप बैलेंस एंड हिस्ट्री में तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 547 रुपये बचा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने 200 रुपये ऑलरेडी निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।